मेडिकल हत्या कराई गई षड्यंत्र के जरिए। षड्यंत्र रचया महाराज जी का ड्राइवर है वरेंद्र ढिल्लो, जो सूफी संत बना हुआ है, जो पंजाब में परमार्थ का पैसा लगा लगा के ये सारा मशहूर हो रहा है। इसको बहुत शौक है मशहूर होने का। इनकी पहले से प्लानिंग चल रही थी कि बाबा जी को कैसे ठिकाने लगा के तू गद्दी पर बैठे। इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, हमें सारी संगत को न्याय मिलना चाहिए, इनकी जांच हो के और पानी का पानी और दूध का दूध होना। सिरसा डेरा जगमाल वाली के बाबा बहादुर चंद वकील साहब की मौत के बाद उनके मस्ताना शाह आश्रम में उठा बवंडर थमता नजर नहीं आ रहा है। डेरे की गद्दी के उत्तराधिकारी को लेकर दो गुटों में जारी विवाद के बीच अब उनकी मौत पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल कोई और नहीं बल्कि उनके अनुयायियों ने ही उठाया है। मंगलवार को फतेहाबाद जिले के अनुयायियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और बाबा की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि गद्दी पर कब्जे के लिए बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। ऐसा लगता है कि भी 10 दिन पहले ही बाबा जी की मृत्यु इन्होंने कर दी थी, 10 दिन पहले। क्या इसको लेके पहले से प्लानिंग चल रही थी? इनकी पहले से प्लानिंग चल रही थी कि बाबा जी को कैसे ठिकाने लगा के तू गद्दी पर बैठे। इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, हमें सारी संगत को न्याय मिलना चाहिए, इनकी जांच हो के और पानी का पानी और दूध का दूध होना चाहिए। इस मामले में अभी तक कोई ट्रस्टी भी सामने नहीं आया, क्या कहना चाहोगे? ट्रस्टी ही भागे हुए हैं, ट्रस्टी इसने पुराने ट्रस्टी इसने वीरेंद्र ने निकाल के अपना साला अपने रिश्तेदार अपने ट्रस्टी लगा रखे थे जो सारे षड्यंत्र के अंदर है। इनका सब का पर्दाफाश होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए, हमारी यही मांग है बस। तो सिरसा एसपी से भी मिले हैं आप? हाँ, सिरसा एसपी से सिरसा की संगत मिली है, हम फतेहाबाद की संगत है फतेहाबाद मिलेंगे, सभी जिलों में हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश सभी पूरा इंडिया भारत की सभी साध संगत अपने अपने जिलों में अपने अपने एसपी को दरखास्त दे रही है। 8 तारीख को जो भोग डाला जाना है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे संगत को? 8 तारीख को जब भोग लगेगा हम सारी साध संगत वहां इकट्ठा होगे और बाबा जी के जो संगत होगी और उसका भोग पड़ेगा, उसके बाद में सारी साध संगत इकट्ठी होके विचार करेगी गद्दी का। जो सारी साध संगत करेगी वही होगा और कोई एक या कोई कमेटी का कोई नहीं है। अभी नई कमेटी बनेगी, सारा कुछ नया सिस्टम शुरू होगा। आज हम ज्ञापन भी सौंपेंगे और एसपी साहब को एक एफआईआर के लिए दरखास्त भी देंगे कि हमारी 0 एफआईआर दर्ज करके वहां डबाड़ी थाने में भेजी जाए। हमें ये पूछना चाहते हैं हत्या कराई गई षड्यंत्र के जरिए। षड्यंत्र रचया महाराज जी का ड्राइवर है वरेंद्र ढिल्लो, जो सूफी संत बना हुआ है, जो पंजाब में परमार्थ का पैसा लगा लगा के ये सारा मशहूर हो रहा है। इसको बहुत शौक है मशहूर होने का। ये जींद गांव जींद का है। ये जब ये डेरे में आया 1994 में, मैं आया था 1998 में, मैं 2010 तक रहा था कि परमार्थ के लाइन में हुक्म मानना ही भक्ति होता है। तो महाराज जी बोले तेरे लेने देने तू घर जा, मैं 2010 में घर आ गया था महाराज जी का, अभी भी महाराज जी के हुक्म में हम। तो इसने पिछले साल महाराज जब बीमार हुए हम गए दिल्ली, तो एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट है महाराज जी वो पित्ते की थैली का ऑपरेशन होने के बाद एम्स ने रिपोर्ट दी सारे शरीर का चेकअप करके, हार्ट ऐसा है जैसे बच्चे जैसा हो, किडनियाँ ऐसी है जैसे बच्चे जैसी हो, इतना सुंदर हार्ट आज तक हमने नहीं देखी, इतनी सुंदर नूरी बॉडी आज तक डॉक्टर बोले हमने नहीं देखी, ये आपके महाराज जी 15-20 साल अब कहीं नहीं जाएंगे। जो वसीयत कराई गई थी तो वो टेम्परेली इन्होंने बोला जी महाराज जी ऐसे इतने बड़े आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे, डॉक्टर कह रहे हैं कोई वसीयत करवा लो टेम्परेली। बोले किसके की दे नाम करिए, तो महाराज फिर वो सारे बोले एक बार अपने वरेंद्र के नाम ही बना देते हैं जी। तो ये न मिलके 2-4 ट्रस्टियों ने वैसे टेम्परेली वीडियो बना ली और टेम्परेली वसीयत बना ली। तो वो वसीयत के होने के बाद में इसने सोचा भी अब तेरे पास वसीयत तो आ गई टेम्परेली, इन्होंने महाराज जी पर दबाव दिया भाई आपने वसीयत तो मेरे नाम करी, अब अलाउंसमेंट कर दो। महाराज जी बोले बाद से करांगे, तो फकीर हम दरखास्त देंगे एसपी साहब को भाई सीबीआई जांच हो, साथ संगत को न्याय मिले। तो आपके जो श्रद्धालु हैं जिला स्तर पे एसपी से मिलेंगे जी? हर एसपी से अलग अलग तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, मिल रहे हैं जी। आप कहाँ? फतेहाबाद से हैं? सिरसा जगमाल हत्या करी गई है, मेडिकल हत्या साजिश से करी गई है। दरअसल फतेहाबाद की इन अनुयायियों ने जिन महात्मा वीरेंद्र पर आरोप लगाए हैं
उनको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा उनके नाम अपनी वसीयत करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा बाबा वकील साहब के परिवार की ओर से भी उनके समर्थन में बयान जारी किए गए। कुल मिलाकर देखें तो बाबा बहादुर चंद वकील साहब के निधन के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई गंभीर होती नजर आ रही है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।